तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छा होंगे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से आप रियलमी नार्जो 20 को हार्ड रिसेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हार्ड रिसेट कर सकते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में यही बताएंगे किस तरह से आप रियलमी नार्जो 20 को हार्ड रिसेट कर सकते हैं और रियलमी 5i को भी आप इसी तरह जो है हार्ड रिसेट कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल बने हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना और करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये Realme Narzo 20 का फोन है, तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से फोन मेरा है। तो इसको हम यहाँ पे हार्ड रिसेट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का फ़ोन है, तो इसको हम हार्ड रीसेट करेंगे। सिंपल इस क्या करना है, यहाँ पे जो सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। तो थोड़ा सा सेटिंग पर जैसे क्लिक के नीचे की आना है, नीचे की ओर थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे की ओर आने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेटिंग। यहाँ पे सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक के नीचे की ओर आना है, नीचे की ओर आना है, तो यहाँ पे आपको बैकअप एंड रीसेट और यहाँ पे OTG ये सब ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपल इसे क्या करना है, बैकअप ऑफ रिसेट जो है इस पर आपको क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही क्लिक किए तो आपका जो मोबाइल में जितना मान के चलिए आपको कोई ओनली सेटिंग करना है तो सेटिंग गड़बड़ी है, तो सिंपल इस यहाँ से आपको जो यहाँ पे बैकअप का है, बैकअप रिसेट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे अलाउ कीजिए। अलाउ करने के बाद फिर से बैक आइए। बैक आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल डाटा फैक्ट्री रिसेट, मतलब जितना भी आपका फ़ोन में डाटा है सारा रिसेट हो जाएगा आपका फ़ोन का। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है, तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को तीन ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल रहा है, ऑल डाटा रिसेट और उसके बाद ओनली सिस्टम रिसेट और यहाँ पे डाउनलोड एप्स रिसेट। हाँ, डाउनलोड डाटा मतलब आपका जो डाटा हिस्ट्री है वो डिलीट करना चाहते हैं, या आपका फ़ोन का भी डाटा आप यहाँ रिसेट कर सकते हैं, और ऊपर में आपका जो सेटिंग गड़बड़ी है सेटिंग आप रिसेट कर सकते हैं। तो सिंपल इस क्या करना है, हमको रिसेट करना है, तो सिंपल इस यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे पिन मांगा जाएगा जो भी आप पिन लगाए हैं, तो चलिए यहाँ पे हमने पिन इंटर कर देते हैं। तो चलिए पिन इंटर डालते हैं, यहाँ पे हम पिन डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे पिन डाल दिया है और यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऐसी डाटा, तो सिंपल इस आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक किए फिर से आपको बोलेगा क्लिक करने के लिए, तो आप फिर सिंपल इस यहाँ से फिर से आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक किए हो जाएगा फ़ोन आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑफ, तो थोड़ा देर वेट करना है। तो चलिए थोड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फ़ोन हो गया ओपन, तो यहाँ पे फ़ोन हो रहा है ओपन। तो आप देख सकते हैं इसको पूरा भरने देना है, तो ये आपको पूरा कर लेना है। तो चलिए वाइप डाटा पर पूरा भर देना है आपको। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा ये हो गया पूरा फुल रिसेट, हार्ड रिसेट हो गया है। तो चलिए देखते हैं, ओपन होने देते हैं इसको, तो थोड़ा देर वेट करेंगे। और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे और है पावर बाय एंड्रॉयड, आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा। तो ये फ़ोन हो गया ओपन और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह सेलेक्ट लैंग्वेज है, तो इस पर आपको लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप लैंग्वेज देना चाहते हैं। और सिंपल इस यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल इस यहाँ पे नेक्स्ट पर चलिए रेगुलेशन सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे किए तो आपको फिर से यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको वाईफाई लेगा, तो सिंपल इसे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर स्पीक कर देना है। स्पीक करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट कर देना, कुछ भी नहीं करना है। करने के बाद आपको नीचे पर यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपल इस एक्सपर्ट पर क्लिक करना है। एक्सपर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको इंटर पर क्लिक करना है। इंटर पर करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेटिंग, तो सेटिंग पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अपना पिन दे दीजिए जो भी पिन देना चाहते हैं। तो चलिए पिन डाल देते हैं, तो हमने पिन डाल दिया, फिर से वही पिन डालना है जो पिन मैंने डाला था पहले, तो आप पिन भी डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं वो भी था, हमने डाल दिए हैं। और यहाँ पे ये फेस डाल रहा है तो फेस में छोड़ दीजिए, फेस नहीं डालेंगे हम। तो सिंपल इस यहाँ पे फिंगरप्रिंट मांग रहा है, तो फिंगरप्रिंट भी नहीं डालेंगे। सिंपल इस यहाँ पे क्या करना है, एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लेटर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर लेटर पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको देन यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप नेक्स्ट कर लीजिए। फिर से यहाँ पर आपको लेटर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हो गया मेरा फ़ोन।
आप देख सकते हैं हार्ड रीसेट, तो इस तरह से आप हार्ड रीसेट फ़ोन कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को। तो चलिए देखते हैं ओपन हो रहा है, थोड़ा देर वेट करेंगे। यहाँ पे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे हो गया मेरा फ़ोन ये ओपन। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि किस तरह से आप जो है Realme Narzo 20 को हार्ड रीसेट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास जरूर करें शेयर, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।